हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष को नोटिस, ललवी एनकाउंटर मामले में पार्टी लाइन से विपरीत बयान दिया था, प्रदेश अध्यक्ष ने 5 दिन में मांगा जवाब। जोधपुर के ललवी कंडारा एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2 अलग अलग भागों में बटी नजर आई। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, तो वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने पुलिस एनकाउंटर को सही बताते हुए पुलिस कर्मियों को निलंब करने को मनोबल गिराने वाला बताया था। इस टिप्पणी पर आरएलपी प्रदेश अध्यक्ष उपराज गर्ग ने उदाराम मेघवाल को नोटिस थमा दिया। दरअसल बीते दिनों जोधपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर ललवी कंडारा का एनकाउंटर कर दिया था। इसके बाद आरएलपी संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए ललवी कंडारा के शव को लेकर धरने पर बैठ गए थे। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे और उनके निलंबन के बाद ही शव उठाया गया था। वहीं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने एनकाउंटर को सही बताते और पुलिस निलंबन को शर्मनाक और पुलिस का मनोबल गिराने वाला बताया था। आरएलपी प्रदेश उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल ने कहा कि ललवी एनकाउंटर मामले में कई राजनीतिक दलों व लोगों ने ललवी कंडारा के पक्ष में स्टेटमेंट दिया। हमारी पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर गए। मैंने पहले ही सांसद हनुमान बेनीवाल को कहा था कि हम हमेशा अपराधी के खिलाफ रहे हैं, इसलिए जोधपुर नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने मेरे फेसबुक पर लिखा था, जो अपराधी का समर्थन करते हैं उनके साथ मैं नहीं हूँ, पुलिस के जाबाज व निर्दोष अधिकारी के साथ हूँ। उदाराम ने कहा कि मैं आरएलपी पार्टी और संयोजक हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नहीं हूँ। पार्टी ने नोटिस देकर जवाब मांगा है, नोटिस का जवाब समय आने पर दे दूंगा। पार्टी ने 5 दिन में मांगा जवाब। आरएलपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपराज गर्ग ने उपाध्यक्ष उदाराम मेघवाल को नोटिस जारी किया है कि पार्टी लाइन एवं विचाराधीन के विपरीत अपने फेसबुक पर पोस्ट की है, जो पार्टी की रीति नीति से हटकर बयान जारी, इसके पीछे क्या भगवान है? 5 दिन में इस नोटिस का जवाब पेश करें, अन्यथा पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।